हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल राधिका दिया की दुनिया। कैसे हो आप सब लोग? तो अभी से हम अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं, तो आज है सरस्वती पूजा, तो हैप्पी सरस्वती पूजा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर पूजा करने के लिए, तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद आप लोगों के साथ। तो अभी हम मंदिर पहुंच गए थे, तो अभी जा रहे हैं पूजा करने के लिए। पूजा करने के बाद एक और काम है, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं मंदिर, तो दिया अपने पापा के साथ है, तो अभी हम लोग अंदर जाएंगे मंदिर के एंड पंडित जी को बोलेंगे पूजा कर देने के लिए। तो यहाँ पे पंडित जी पूजा करे एंड उसका बोर्ड का भी पूजा करके दिए हैं, तो पंडित जी बोले अब आप लोग उसका अपना नाम एंड मम्मी पापा का नाम लिखवाइए। तो यहाँ पे अभी वही करेंगे एंड यहाँ पे अभी हम पूजा कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग दिया के पापा स्टार्ट किए। तो आज से दिया की लाइफ की एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट होने वाली है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर एक इंसान के लाइफ का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बिगनिंग होता है, इससे बहुत कुछ जुड़ा होता है, पूरा ज़िंदगी जुड़ा होता है। तो अब दिया का नेक्स्ट मंथ शायद एडमिशन भी हो जाए स्कूल में, तो नेक्स्ट मंथ से वो स्कूल भी जाने लगेगी। एंड इस फरवरी में हम लोग को और भी कहीं जाना है, तो आप लोग प्लीज़ ब्लॉग ज़रूर देखिएगा और आगे बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं। तो हम लोग कहाँ जाने वाले हैं, क्यों जाने वाले हैं, आप लोगों के साथ हम आगे ब्लॉग में ज़रूर शेयर करेंगे सब कुछ। तो यहाँ पे बैठे हैं बस, दिया को उसका नाम एंड मम्मी पापा का नाम वही सब लिखवा रहे हैं एंड वो खुद से कर रही है, आप लोग जैसे कि देख सकते हो। तो वो इंजॉय कर रही है। तो यहाँ पे दिया को अच्छा लग रहा है, उसको बोर्ड में लिखना है तो वो कंटिन्यू कर रही है। एंड प्लीज पूरा ब्लॉग जरूर देखिएगा बिना स्किप किए हुए, एंड ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। तो यहाँ पे हम पूजा कर रहे हैं, दिया के पापा एंड दिया दोनों बाहर में एंजॉय कर रही है। तो अभी हम बस पूजा कंप्लीट हो जाए तो फिर घर ही जाएंगे। तो यहाँ पे हस्बैंड हमको प्रसाद दे रहे हैं जैसे कि आप लोग देख सकते हो। तो हम लोग का रिचुअल होता है कि हम लोग मंदिर में प्रसाद खाते हैं, पता नहीं और भी जगह का होगा शायद। तो हो गया हम लोग का पूजा पाठ एंड अभी हम लोग घर जा रहे हैं, तो चलिए मिलते हैं घर जाकर। तो अभी मंदिर से हम लोग घर आ गए हैं पूजा करके एंड आज सरस्वती पूजा है, तो आज दिया का एडमिशन भी करवाना था बट लेकिन सारा स्कूल बंद है, यहाँ नेपाल का भी सारा स्कूल बंद है लॉकडाउन की वजह से, तो एडमिशन करा के भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो सोचे हम लोग क्यों ना 1-2 मंथ के बाद एडमिशन कराएंगे उसका, आज
ऐसे भी दिया का भी 2.5 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ है। नेपाल में 2.5 साल से पहले स्कूल कोई सा भी स्कूल में बच्चे को नहीं लेता है। इसलिए तो आज हम लोग मंदिर गए थे। हम लोग का घर का रिचुअल होता है कि अगर कोई भी बच्चा का एडमिशन करवाना होता है, कुछ भी होता है मतलब, तो पहले सरस्वती पूजा के दिन मंदिर में जाकर बच्चा बोर्ड में लिखता है अपना नाम है ना, अपनी मम्मी पापा का नाम लिखकर शुरुआत करता है। आज दिया का भी शुरुआत हो गया, तो आज दिया के लाइफ का न्यू बिगनिंग स्टार्ट आज से। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद आप लोगों के साथ। तो यहाँ पे अभी हम किचन में आ गए थे ब्रेकफास्ट करने के लिए, तो ब्रेकफास्ट बना के गए थे मंदिर। तो यहाँ पे चना है, मसाला चना एंड मुरमुरा मिक्स भुजिया एंड जलेबी एंड समोसा लेकर आए थे मार्केट से, तो वही सब हम लोग अभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तो मंदिर से आने के बाद हम लोग ब्रेकफास्ट किया एंड ब्रेकफास्ट करके हम सो गए थे। बहुत ज्यादा सर्दी लग रहा था, बहुत ही ज्यादा, इसलिए ना अभी किचन में आए हैं। तो अभी दिन के 1 बज रहे हैं, अभी हम आए हैं लंच बनाने के लिए। तो लंच में आज दाल पूरी खीर एंड आलू गोभी पनीर की सब्जी बनेगी, तो अभी हम मनीषा मिलकर जल्दी से बना लेते हैं। तो अभी हम खीर के लिए दूध चढ़ा दिया है, दूध अच्छे से बॉइल हो गया है, इसमें हम चीनी ऐड करेंगे एंड अभी खीर बना लेंगे। एंड दूसरे साइड यहाँ पे गोभी फ्राई कर रहे हैं, तो पहले खीर एंड सब्जी बना लेंगे फिर जाकर पूरी बनाएंगे। तो यहाँ पे मनीषा आटा गूंथ रही है दाल पूरी के लिए एंड यहाँ पे सब कुछ चॉप करके रख लिए हैं, आलू बॉईल करके रख लिए एंड पनीर को फ्राई कर लिए हैं। तो यही आलू गोभी पनीर का सब्जी बनाएंगे, खीर एंड दाल पूरी बनाएंगे। लंच प्लस डिनर दोनों ही हो जाएगा क्योंकि अभी दिन का 1 बज रहा है, बनाते 2-3 बज ही जाएगा, तो लंच प्लस डिनर दोनों ही होगा हम लोग का। तो यहाँ पे हम दोनों ही मिलकर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम एक तरफ सब्जी बना रहे हैं एंड दूसरे साइड खीर चढ़ा हुआ है। तो हम सिंपल सा सब्जी बना रहे हैं आलू गोभी एंड पनीर की, हम रेसिपी आज किसी भी चीज़ का शेयर नहीं कर रहे हैं, इसलिए तो सिंपल सा जैसे ग्रेवी सब्जी बनता है बस उसी तरह से बना रहे हैं। तो यहाँ पे वेल गरम हो गया था, तो लाल मिर्च एंड सूखी लाल मिर्च, तेज़पत्ता, जीरा दिए थे एंड मस्टर्ड वेल से बनाते हैं। तो इसमें चॉप प्याज, चॉप टमाटर एंड धनिया के पत्ते डालेंगे एंड जो बेसिक पाउडर मसाला होता है वो सारे पाउडर मसाला डालेंगे एंड मसाला भून जाएगा तो उसके बाद हम इसमें आलू एंड गोभी दोनों ऐड करेंगे एंड आलू गोभी को भी 5 से 7 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे लो फ्लेम पे। उसके बाद हम थोड़ा सा पानी ऐड करके फिर से भूनेंगे एंड फिर उसमें हम ग्रेवी जितना आपको डालना है उस अकॉर्डिंग हम ग्रेवी डालकर ऊपर से पनीर डाल देंगे एंड बॉयल आने तक दो से तीन मिनट तक हम बॉयल आने तक सब्जी को पकने देंगे अच्छे से। तो बस आलू गोभी की सब्जी भी रेडी हो जाएगा। तो अभी मेरा मसाला भून चुका था तो हम इसमें अभी बॉयल आलू एंड गोभी जो फ्राई किए थे वो गोभी डाल रहे हैं। तो यहाँ पे भी हम कढ़ाई चढ़ा दिए हैं, रिफाइंड फॉर्चून वेल डाल दिए हैं, तो वेल गर्म हो जाएगा तो इसके बाद हम सारी पूरियाँ तल देंगे। तो यहाँ पे मेरा वेल गर्म हो गया था तो यहाँ पे हम पूरियाँ तल रहे हैं एंड आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी लाइक नहीं करते हो, प्लीज़ जितना हो सके अपना फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा एंड थोड़ा सा भी कोई सा भी पार्ट मेरे वीडियो का आप लोगों को अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा चैनल को।
तो अभी लंच बन गया था, यहाँ पे हम हस्बैंड को देने आए थे एंड रिया एंड उसकी फ्रेंड है, तो वो लोग को हम पूरी बैठ के नीचे रखो दिया, तो वो लोग भी खा रही है एंड हस्बैंड भी अभी खा रहे हैं। एंड मनीषा यहाँ पे पूरी तल रही है, सब्जी खीर सब कुछ बन गया है, तो पूरी गर्म गर्मा गर्म पूरी तला जा रहा है। तो आज का ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं, हम लोग का लंच बन गया था, हम लोग लंच कर भी लिए अभी। तो आज का ये ब्लॉग अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आया हो, कोई सा भी पार्ट अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करिएगा एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा एंड जितना हो सके अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक और ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।